अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप खैरियत से होंगे, आप जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। तो दोस्तों, मैं भी आप दोस्तों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवाबी में। और ये जो मनाजर आप देख रहे हैं, ये क्वंड नेशनल पार्क के मनाजर है। अभी तकरीबन असर का टाइम है, लेकिन यहाँ का जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आज जब मैं यहाँ पर आया था, मैंने कहा यहाँ का जो व्यू है ये आपके साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर आने का मौका मिलता है ताकि आप भी ईज़िली इसकी विज़िट कर सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बारिश आजकल हो रही है, तो बारिशों के बाद यहाँ जो अबासीन रिवर है उसके पानी में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और यहाँ पर कौन सी फैसिलिटी आपको मिल सकती है अगर आपको यहाँ पर आना पड़ता है। तो अभी मैं ख़ुद भी देख लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इसकी विज़िट करते हैं। तो आइए चलते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो अभी नीचे चलते हैं अबासीन रिवर की तरफ, ताकि वहाँ का व्यू भी आपको दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आया हूँ। तो मैंने कहा नीचे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बोटिंग भी होती है ताकि वो भी आप इजीली इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर जो है ना, उसकी भी आपने थोड़े से चार्जेस देने होते हैं, उसके बाद आप उसमें सवार होके इस रिवर का जो है ना आप राउंड लगा सकते हैं। तो अभी जो है ना
नीचे की तरफ जा रहे हैं अबासुइन रिवर की तरफ, वहाँ का व्यू भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। क्योंकि बारिश हुई है यहाँ पर जो है ना, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखें, अभी मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो वहाँ भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर बोटिंग भी होती है, इसके अलावा यहाँ पर घुड़सवारी भी होती है। ये देखें, यार यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे मैं जंगल से गुजर रहा हूँ। देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ना, यह बिल्कुल जंगल जैसा लग रहा है। तो अगर आप बाहर के मौसम में यहाँ पर आएंगे तो ये जो जंगल है ये बिल्कुल आपको ग्रीन दिखाई देगा और आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये बच्चा, ये यहाँ पर इसकी घुड़सवारी भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके जो है ना आपने थोड़े से चार्ज देने होते हैं, उसके बाद आप अगर इस रिवर के साथ साथ राउंड लगाना चाहते हैं तो इसका राउंड भी आप इजीली लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर खूबसूरत किस्म के घोड़े हैं, और आपको पता है कि इस रिवर के पानी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा अगर आप यहाँ पर आएँगे और इस अबासुइन रिवर के आप विज़िट करेंगे। ये देखिए यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये छोटे बच्चे यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इनके चेहरों पर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराहट है, वो इसलिए क्योंकि इनका जो दिल है वो बहुत बड़ा है। जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो ये उनको वेलकम करते हैं, और इसके अलावा उनके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। तो यहाँ पर इनके जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा जायज़ है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो अबासुइन रिवर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। वो पकड़े रहे शुरू दिमाग के जरा गले, वो पकड़े कम है यार। तो ये आप देख सकते हो ये जो बोट्स यहाँ पर खड़े हैं, इनको काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस पर जो है ना पाकिस्तान का झंडा भी लगाया है, क्योंकि जहाँ पर जाते हैं पाकिस्तान का झंडा जहाँ नज़र ना आए तो वहाँ पर दिल भी नहीं लगता। तो यहाँ पर पश्तो के मुख्तलिफ किस्म के सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब आप इस रिवर का राउंड लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है। और ये देखें इसका जो पानी है ना, काफ़ी जो है ना हद तक ये इसके पानी में इजाफा हुआ है, क्योंकि बारिशों के बाद यहाँ पर काफ़ी जो है ना पानी आता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं असर का टाइम है, लेकिन यहाँ का जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जब भी ज़िंदगी में आपको यहाँ पर आने का मौका मिलेगा तो इस चांस को आपने मिस नहीं करना, यहाँ पर आपने ज़रूर आना है और इस ब्यूटी को आपने इंजॉय करना है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं